आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस जलसे का कितना मियार बड़ा है कि बिहार और बिहार के मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट और अखाड़ा घाट से बिल्कुल करीब सिपाहपुर वहाँ से यानी कि बहुत दूर से नौशाद एंड को आप तक पहुँचे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब माइक उतने दूरी से लाया जा सकता है तो शायर तो विदेशों से भी लाया जा सकता है। मैं कलाम आला हजरत पढ़ता हूँ। बैठ जा मेरे भाई, ये जो मोबाइल आप लगाए हो कोई फायदा नहीं है, चूंकि नौशाद एंड को का जो चैनल है उसमें भी आप देख सकते हैं। अलावे उसके दिलबर शाही ऑफिशियल पे लाइव चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के लोग देखते होंगे और देख रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला ए मेरे भाई, अगर आप लोग बैठ जाओगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। जोश पर जो दो जोश पर जो दो का है तरिया तेरा कभी मायो से नहीं हो ता है मंगेता तेरा कौन है जिसे ने नहीं पा या है सदका तेरा क्यों है कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद ए आली नहीं वरफाना का जिक्र है खुदा का परमा लिए तेरा कुरान तुझको अल्लाह ने बख्शी है वो इज्जत पोशान के आसमान आसमान
से का है तेरा तेरा साहिब लगो किस का है तेरा तेरा तू है महबूब खुदा किस का हुआ ऐसा नसीब कौन है ऐसे जो तो सखा सब रसदा कहते कि मैं तो लेकिन भाई लोग मेरी बात नहीं मान पा रहे इसलिए अब मैं पढ़ूंगा नहीं। एक बंद और पढ़ देता हूँ बल्कि मक्ता पढ़ देता हूँ सुन लीजिए। जिसके फैजानों करो जिसके फैजाने की चादर है वैसे चादर है अरे से जुमला पीरा ने तारे का में है गौहर जो जाते तेरी उम्मत के मशाइख सब के वे के तेरी सरकार रे मिला है रजा उसे बेटा तेरा जो मेरा वात है हरला बिला बेटा तेरा वही क्या जो तो कर शायरे इस्लाम जनाबे दिलबर शाही अताए रसूल कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारे हिफ। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या आप सुनना चाहते हैं? इतना बड़ा मजमा
दस लोगों ने हाथ उठाया तो क्या मैं अपनी जगह ले लूं? हाजी तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन शर्त यह है कि यह जो धक्का धुक्की चल रहा है ये ना हो, इतने मोबाइल लगे हैं, अल्लाह बेहतर जाने, इतने प्लस जले हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, एक मिनट का मैं टाइम दूंगा, एक मिनट का टाइम मेरे पास है, अगर आप चाहोगे तो मुझसे पढ़वा लोगे। और आज मैं कलाम ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ जिसको आप सुनेंगे इंशाल्लाह, बहुत जमाने तक याद रखेंगे। बस शर्त इतनी सी है, एक मिनट के अंदर बैठ जाओ, अगर मुझसे पढ़वाना है तो बैठ जाओ, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। दो मिलके एक काम, या तो आप बैठो या तो मुझे बैठने दो। बैठ जाओ जल्दी से। क्या करें? मैं मतलब हाजिर करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे अच्छे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दुलारे भाइयों, बैठ जाओ, कोशिश करो। आ गए महबूबे दावा, सिर्फ हाथ उठे। ए मेरे भाई, जब वो लोग बैठ गए तो तुम लोग काहे नहीं बैठते जी? अल्लाह रहम फरमाए। पढ़ूं? हाथ नीचे न रहने चाहिए। आ गए महबूबे दावा, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो मेंबर पे हैं वो भी। आ गए महबूबे दावा, 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 आप किस चक्कर में हैं? महबूबे दावा, आप किस चक्कर में हैं? आ गए महबूबे दावा, आप किस चक्कर में हैं? आ गए महबूबे दावा, आप किस चक्कर में हैं? आ गए महबूबे दावा, आ गए महबूबे दावा, आ गए महबूबे दावा, आप किस चक्कर में हैं? टाइम आएगा, नारा लगाने का टाइम आएगा, लेकिन मतलब मुकम्मल होता। आ गए महबूबे दावर, अरे आप किस चक्कर? आ गए महबूबे दावर, आप किस चक्कर में हैं? आ गए महबूबे दावर, आप किस चक्कर में हैं? आसमां भी है जमीन पर, आप किस चक्कर? मैंने मतला पढ़ दिया, अब शेर शेर एक और मतला पढ़ता हूँ। ये मतला आज सुनना ही पड़ेगा। देखो भैया, इतने दूर से आओ और मेहनत करके 10 रुपया दे जाओ, इससे बेहतर है वही बैठे रहो। अरे भाई, इतने मेहनत करके आके 10 रुपया दो, ऊपर से फटा हुआ हो, क्या फायदा? एक ही बार आओ, 500,000 दे जाओ, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं।
मैं एक और मतला पढ़ता हूँ, लेकिन मतला सुनने से पहले दोनों हाथ उठाएं और कह दे या अली। थोड़ी आवाज कम है, जिस हिसाब से आबादी है, अल्लाह अकबर, ये ठाठे मारता हुआ समंदर चारों तरफ, अगर मतला पसंद नहीं आए मुझे वापस दे देना, मैं पढ़ता हूँ जरा, कह दे या अली या अली या अली या अली या अली या अली। इस्लाम को कह देना हैदरी मेरा है तेवर आप किस चक्कर में है, हैदरी मेरा है तेवर आप किस चक्कर में है। कुफर को आएगा चक्कर आप किस चक्कर, जब नबी ने हाथ में परचम अली के दे दिया, जब नबी ने हाथ में परचम अली के दे दिया, जब नबी ने हाथ में परचम अली को दे दिया, रखा है खैबर आप किस चक्कर में है, उड़ के रखा है खैबर आप किस चक्कर में है। अरे कुफर को आएगा चक्कर, बहुत उम्दा कलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप किस चक्कर में है। अब एक शेर पढ़ देता हूँ, लेकिन बैठे रहना, खड़ा नहीं होना। पूरे हिंदुस्तान में जगह जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा, पूरा मजमा खड़ा होता है, लेकिन आज खुदारा खड़ा नहीं होना, बस बैठे बैठे सुन लो, यही बहुत है, लेकिन हाथ ऊंचे करना है आपको। जितने मर्द हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ देता हूँ, एक बेटी जिसने कुफर के नरगे में जाकर नारे तकबीर की सदा बुलंद कर ली। एक शेर पढ़ता हूँ, तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से वहाँ तक नारे की सदा बुलंद हो। जब एक बेटी नारा लगा सकती है, तो यहाँ इतने बेटे बैठे हुए हैं, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ तक आप कामयाब हैं। एक बेटी ने लगा दी भेड़ियों के दरमियाँ, कैमरा घुमा लो, दुनिया देख ले कि लुधियाना वाले कितने हसास हैं, मैं पढ़ता हूँ। एक बेटी ने लगा दी, एक बेटी ने लगा दी बेड़ियों के दरमियाँ, एक बेटी ने लगा दी बेड़ियों के दरमियाँ, अल्लाह अकबर आप किस चल 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 चल, नारे तकबीर नारे रिसालत अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही, सरजमीन दाना मंडी, लुधियाना पंजाब। एक बेटी ने लगा दी भेड़ियों के दरमियाँ, नारे अल्लाह अकबर आप किस चक्कर में है, नारे अल्लाह अकबर
आप किस चक्कर में हैं नारे अल्लाह अकबर आप किस चक्कर में हैं। और एक शेर मन कबन का शेर एक तरफ 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 मजा आया नहीं, अगर आप शांति से सुनेंगे तो मैं वैसा भी सुना दूंगा। एक तरफ तनखा मुजाहिद एक तरफ आदाए दीन एक तरफ तनखा मुजाहिद एक तरफ आदाए दीन एक तरफ तनखा मुजाहिद एक तरफ आदाए दीन सब से टक्कर आप किस चक्कर जवाब दे दो आप किस चक्कर में हैं। मैं मक्ता पढ़ देता हूँ। दाना मंडी नात पढ़ने के लिए ऐ दोस्तों लाके ये मक्ता मेरा नहीं है, अभी अभी नाजिल हुआ है। मक्ता मेरा जो मैं सुना देता हूँ पहले। मैं हुसैनी हूँ जमाना क्या समझता है मुझे। एक आवाज होना, कौन क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं। लोग बाद में आए हैं तो जगह नहीं मिली, पहले आते तो आपकी तरह बैठे होते है कि नहीं। हाँ तो बाद में आए हैं सजा भुगती है। मैं हुसैनी हूँ जमाना क्या समझता है मुझे। मैं हुसैनी हूँ जमाना क्या समझता है मुझे। अरे नाम मेरा भी है दिल पर आप किस चक्कर में। नाम मेरा भी है दिल पर आप किस चक्कर में हैं। मेरे दोस्तों अल्लाह सलामत रखे। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ और एक दो शेर मैं पढ़ देता हूँ। चूंकि बहुत जमाने के बाद हाजिरी हुई है तो मैं यहाँ से एक मतला एक शेर पढ़ देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बहुत अफरा तफरी मचे, इसलिए ऐसा ही सुनिएगा। बहुत अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, बस इत्मीनान सुकून के साथ सुन लीजिए। जहाँ जगह खाली मिले दूसरे आके बैठ जाइए, यहाँ वो जरूरत ही नहीं। आइए हजरात बैठिए हजरात, ये वाला मामला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे बहुत होते हैं, डेली यही काम है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का मामला कुछ अलग थलग है। मगर बहुत ज्यादा भीड़ होने से भी नुकसान हो जाता है, लोग आ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, बस आप आ गए। मैं एक मतला पढ़ लेता हूँ और एक शेर। कई दिन सुभान अल्लाह इश्क़े अहमद से दिल को सजाओ। सिर्फ आप सांस ले लें जोर से, मजमा में इनकलाब आ जाए। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जोर से सांस ले लें तो मजमे में इनकलाब आ जाएगा। मैं मतलब हाजिर करता हूँ। इश्क़े अहमद से दिल को सजाओ आज सजने
सजाने की रात है। अपना सोया नसीबा जगा जगा, अपना सोया नसीबा जगा, आज जगने जगाने की रात है। आज जगने जगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले ईमान की हर तरफ जाके ऐलान कर दो, हर तरफ जाके ऐलान कर दो, क्या आज सोने की कोशिश ना करना, आज सोने कोशिश ना करना, आज रब को मनाने की रात, आज सोने की कोशिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, शायरे अहले सुन्नत हजरत दिलवर शाही। अल्लाह सलामत रखे। मैं मक्ता पढ़ देता हूँ, मतला बंद बंद मक्ता। मैंने शोहरत है पाई कैसा से, अपनी माँ की दुआ के दमों से, अपनी माँ की दुआओं के दम से, हर दिल पर शाही तूनाते सुना सुना, दिल पर शाही तूनाते सुना, आज सुनने सुनाने की रात है, शागे सुनाते सुना, आज सुनने सुनाने की रात है। अपना सोया नसीबा जगा जगा, अपना सोया नसीबा जगाओ, आज जगने। देखो भाई, देखो भाई, मेरे भाई, ये इबादत की रात है। अगर मुसलमान का बच्चा है और अगर तू चाहता है कि जलसा खराब नहीं हो, वरना तेरी आकिबत खराब हो सकती है। बैठ बैठ, ऐसा मुसलमान है, कोई मामला होगा दल घोटनी लेके दौड़ेगा। जरा से कुछ हो जाए सब खड़ा हो जाता है। मैं नहीं चाहता, एक मतला पढ़ता हूँ। अरे इतना हंगामा करने से बेहतर है, इबादत की रात है, मोहब्बत से तीन बार दुरूद शरीफ पढ़। اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مادن الجود والكرم صلى الله تعالى عليه وسلم। कोई भी भाई ये तेवर नहीं दिखाए कि मैं हूं,
एक ही सप में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इबादत की जगह है, अगर आप मस्जिदों में जाके नहीं कर सकते तो ये यहाँ के हुकूमत को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने परमिशन दिया और इतने लोगों को जमा किया। तुम्हें सोचना चाहिए कि कोरोना काल का टाइम चल रहा है और फिर इतनी आबादी है, और मेरे ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन आबादी में कोई बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर बीमार ही होगा तो रसूल पाक का बीमार होगा। तो जितने आशिक रसूल हैं वो मेरे साथ हो जाएं, कोई तेवर न दिखाए। मैं चाहता हूँ, मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। ये मतला है जो पूरी दुनिया में बेपनाह मकबूल हुआ। हजरत इमाम साहब, मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। बैठ जा भैया। अरे बैठो ना भाई, बीच वाला कौन है? मैंने उतने दूर से हल्ला कर सकते हो, मैं यहाँ सुन सकता हूँ और सामने भी। सुभानअल्लाह। अब दूर वाले बोलो। एक आदमी आवाज दे रहा है तो इतनी दूर आवाज आ रही है, सब आवाज दो, पूरा लुधियाना घूम जाए। हाय 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 हाय, ये आवाज आपकी रहे। मैं एक मतला पढ़ता हूँ। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये आबादी, अल्लाह सलामत रखे। आप लोग नेकी कर रहे हैं, आप बदी? जोर से बोल। तो नेकी ऐसे खड़ा हो कैसे करते हैं? जोर से बोलो। ये जोर से है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, जरा कुर्सी वाले अपनी कुर्सी संभालना, सब चुप रहना, सारे लोग चुप रहना, सर वाले। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, कारत से नादान क्या देखता है, कारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कुकू आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।